अलीगढ़ में जीव दया फाउंडेशन की ओर से सासनी गेट क्षेत्र में लंपी वायरस को लेकर टीकाकरण शिविर लगाया गया, जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारी दिनेश तोमर के नेतृत्व में लंपी वायरस से बचाव के लिए 400 से अधिक गोवंशी को टीकाकरण किया गया। शिविर में डॉक्टर विराम वाशने, डॉक्टर संदीप शर्मा, अनिकेत, निशांत गुप्ता, कल्पना वाशने, आशा सिसोदिया, प्रियंका शर्मा, शिवानी, नेहा शर्मा, गीता मित्तल आदि मौजूद रहे। सर, आज हम लोगों ने एनुअल ब्लड प्रोजेक्शन के दिन हमने लंपी वैक्सीनेशन का रखा है, जो गायों में जो रोग होता है जिसकी वजह से गायों की मृत्यु भी हो जाती है। इस कार्यक्रम को हमने आज 400 गायों के लिए लंपी की वैक्सीनेशन के लिए रखा है, और हमने ये धनीपुर मंडी, शास्त्री गेट, रामघाट रोड और मथुरा रोड, ये चारों कवर करेंगे हम लोग। और उसके साथ साथ हम जितनी भी सड़क पे बेसहारा गाय घूम रही हैं, डेरिया के अंदर है, जो डेरी चल रही है उनके अंदर है, उन सबको कवर करेंगे। आज 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे है, और आज का जो कार्यक्रम है एक इंटरनेशनल संस्था वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के सहयोग से अलीगढ़ में जीव दया फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मकसद गायों के बीच में जो वायरस, लंपी वायरस फैलता है, उसकी रोकथाम के लिए ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें लगभग आज 400 गायों का वैक्सीनेशन होने का हम लोगों ने प्लान किया है। और ये सभी पूरा कार्यक्रम सासनी गेट, धनीपुर और मथुरा रोड में सम्पन्न होगा।